विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। चिनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चिनिया प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत चिनिया के ग्राम चिरका में लगभग करोड़ों रुपए की लागत से बना आईटीआई भवन कई सालों से बंद पड़ा है। उक्त आईटीआई भवन में पढ़ाई चालू करने को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता गढ़वा जिला अध्यक्ष गुणेश्वर जी के नेतृत्व में गढ़वा युवा टीम के राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री माननीय सत्यानंद भोक्ता को ज्ञापन सौंपकर चिनिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम चिरका में तैयार आईटीआई भवन में पढ़ाई शुरू करने की मांग की है। बताते चले कि दिए ज्ञापन में युवा जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले के चिनिया चिरका में आईटीआई भवन कई वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक का वहां प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। राज्य के बहुत से अति पिछड़ा क्षेत्र गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिनिया के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है, जो कि आर्थिक अभाव की वजह से काफी बहुत सारे बच्चे अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर इसकी पढ़ाई यहां शुरू की जाए तो वैसे में क्षेत्र के गरीब छात्रों को काफी मदद मिलेगी। वही मौके पर उपस्थित गढ़वा विधानसभा युवा नेता सोनू यादव ने माननीय मंत्री जी को अवगत कराते हुए कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित क्षेत्र को बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए पिछड़े क्षेत्र के साथ साथ लॉकडाउन की मार से क्षेत्र के युवा युवतियों को उस लायक नहीं छोड़ा है किसी भी कीमत पर तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर जा सके। मौके पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमिता पाल, ओबीसी अध्यक्ष पप्पू ठाकुर, राजद जिला प्रवक्ता सतवंत कुमार यादव, युवा जिला अध्यक्ष रोहित कुमार भारती सहित इत्यादि लोग उपस्थित थे।